नमस्ते। सरसिजमनु बिद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमभिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनुज्ञावल्कलेनापि तन्वी किम वही मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। आप सभी लोगों का स्वागत है। इस व्याख्यान माला में आगे हम बढ़ा रहे हैं इस व्याख्यान को, तो कल हमने देखा था गुणीभूत व्यंग्य के चौथे भेद को, ठीक है, चौथा भेद वो था अस्फुट व्यंग्य का उदाहरण। अस्फुट व्यंग्य यानी जो गूढ़ व्यंग्य है, गूढ़ व्यंग को अस्फुट कहेंगे, यानी जो स्फुट ना हो, स्पष्ट ना हो, उसको गूढ़ कहा जाता है या अस्फुट कहा जाता है। इसमें देखा कि दर्शन नहीं होने पर दर्शन करने की उत्कंठा और दिखाई देने पर विच्छेद की का डर, यानी वियोग हो जाने का डर। तो इस तरह से न तो देखने से सुख मिलता है और नहीं न देखने से सुख मिलता है, दोनों ही स्थिति में सुख नहीं मिलता है। तो ये तो कहने को तो कह दिया, व्यंजना क्या निकलती है? तो कहे आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे ये दोनों ही तरह से जो सुख नहीं मिलने वाला कार्य है वो न हो, ठीक है। यानी हमेशा आप हमारे साथ ये सुनिश्चित कीजिए कि आप हमेशा हमें दर्शन दिया करें, हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। तो देखने पर जो खुशी होती है वो, और नहीं देखने पर, देखने पर जो दुख होता है कि चले जाएंगे वो ना हो, और न देखने की जो उत्कंठा होती वो भी ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये बात कही गई है अस्फुट के लिए। अब आगे है संदिग्ध प्राधान्य, ठीक है। संदिग्ध प्राधान्य में कौन प्रधान है, वाच्य प्रधान है या व्यंग्य प्रधान है, यही पता नहीं चलता है, ठीक है। इसी का यही मालूम नहीं पड़ता है कि वाच्यार्थ मुख्य है या प्रधान है या व्यंग्यार्थ मुख्य है प्रधान है। वही आज पांचवा जो भेद है गुणीभूत व्यंग्य का, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अस्फुट अलंग का सॉरी अस्फुट जो व्यंग्य है उसको तो हमने देख लिया था कल, और आज हम संदिग्ध प्राधान्य का। अब देखिए क्या होता है। हरस्तु किंचित परवृत्त धैर्य चंद्रोदयारंभे इवाम्बुराशि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारया मास विलोचनानि, ठीक है। यानि हरह जो शंकर हैं उन्होंने किया क्या, तो कह रहे हैं कि अपने अपनी आँखों को, अब देखिए यहाँ पर शंकर ही की, शंकर की ही आँखों के लिए विलोचना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास तीन आँख हैं, तो तीन आँख है तो बहुवचन है। बाकी सबके पास तो विलोचने होता अगर बाकी लोग होते, क्योंकि सबके पास दो दो आँख होती है तो विलोचने होता, विलोचनम विलोचने विलोचनानि। इनके पास तीन आँख है तो तीनों आँखों को उन्होंने व्यापारया मास यानी काम पे लगा दिया। काम पे कहाँ लगाया, तो कह रहे हैं उमा मुखे, पार्वती के मुख पर, ठीक है। पार्वती के मुख पर शंकर ने अपने तीनों आँखें लगा दी, यानी तीनों आँखों को वहाँ पर फिक्स कर दिया। उमा मुख है कैसा, तो बिंब फलाधरोष्ठे, बिंब फल के समान अधर ओष्ठ वाले यानी होठ वाले, बिंब फल के बिंब फल के समान होठ वाले उमा के मुख पर शंकर ने अपनी तीनों आंखें लगा दी, यानी तीनों आंखों को उस पर जड़ दिया, तीनों आंखों से देखना शुरू कर दिए। किसकी तरह, तो कह रहे अंब राशि की तरह, समुद्र की तरह, ठीक है। कैसे, तो कह रहे हैं कि चंद्रोदयारंभे, चंद्रोदय के आरंभ में ही, चंद्र का उदय हुआ जैसे ही,
वैसे ही किंचित परिवृत्त धैर्य। अब शंकर हैं कैसे, अब ये किंचित परिवृत्त धैर्य अंबु राशि के साथ भी और हर के साथ भी, यानी समुद्र के साथ भी जुड़ेगा और हर के यानी शंकर के साथ भी जुड़ेगा। जब उमा का मुख देखा तो समझो चंद्रमा का उदय हुआ। तो चंद्रमा के उदय के समय, चंद्रमा के जन्म के समय, जिस तरह से चंद्रमा का जब उदय होता है तब आप जानते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में ज्वारभाटा आ जाता है, ठीक है। अब कभी लोग कहते हैं उसको कि चूंकि चंद्र का जन्म समुद्र से हुआ है तो समुद्र अपने बेटे को पकड़ने के लिए उछलता है, तो पकड़ने के लिए उछलता है इसलिए उसकी लहरें ऊंचे ऊंचे ऊंचाई तक जाती हैं। सच्चाई तो ये है कि उस समय अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के थोड़े नज़दीक रहता है, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो काम करती ही है, तभी तो समुद्र यहाँ टिका हुआ है। लेकिन नज़दीक होने से चंद्रमा की भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थोड़ी खींचती रहती है, उसकी वजह से लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची ऊंची। अब कवि जगत में, काव्य जगत में होता यह है कि शंकर, अरे समुद्र का ही बेटा है चंद्रमा, आप जानते हैं नवरत्नों में से चंद्र भी निकला था, अरे हाँ जो सॉरी जो रत्न निकले थे, 14 रत्न जो निकले थे, नवरत्न नहीं, 14 रत्न जो निकले थे समुद्र से, वो उसमें चंद्र भी था, तो चंद्र जो है समुद्र का बेटा हुआ। अब समुद्र का बेटा है तो समुद्र के जब जैसे ही बेटे का जन्म हो, जैसे ही बेटा उगता है तो उसको पकड़ने के लिए धैर्य छोड़ करके, समुद्र तो बहुत धैर्यवान होता है ना, वो अपनी मर्यादा नहीं लांघता है, लेकिन चंद्रमा के उदय होने पर ही समुद्र जो है अपना धैर्य छोड़ देता है और उछलने लगता है, ठीक है। उसी तरह से शंकर ने भी जैसे ही उमा का मुख देखा, अब उमा का मुख देखना चंद्रमा का उदय हुआ, ठीक है, इस तरह से पैरिटी बिछाएंगे, तो चंद्रमा के उमा के मुख को देखकर जो कि बिंबफलाधुरष्ठे, बिंबफल जैसे अधुरष्ठ वाला मुख है, उस मुख पर जैसे ही उसको देखा तो वैसे ही शंकर ने अपने तीनों आँख उस मुख पर लगा दिया, यानी तीनों आँखों से देखने लगे। ये तो हो गया। अब इसमें व्यंजना क्या निकलती है देखिए, अत्र परिचुंबितुम ऐच्छत, ये व्यंग्यार्थ है, यानी शंकर उसको चुम्बन करना चाहते थे, परिचुम्बन करना चाहते थे, एक व्यंग्यार्थ हुआ। इति किम प्रतीयमान, क्या यह प्रतीयमान जो अर्थ है वह प्रधान है या फिर विलोचन व्यापारणम वाच्यम, या फिर जो वाच्यार्थ है जो देखने वाला काम है, तो देखना भाई आंखों को लगा दिया का मतलब देख रहे हैं, तो तीनों आंखों से उमा के मुख को देखना वाच्यार्थ है और परिचुंबन करने की इच्छा करना व्यंग्यार्थ है। अब ये कह रहे हैं कि भाई क्या देखते रहने की देखने देखना प्रधान है या फिर परिचुंबन करना प्रधान है, ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए इसमें संदेह होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संदिग्ध प्राधान्य। अब संदिग्ध प्राधान्य मतलब जिसमें प्रधानता संदिग्ध हो, पता ही ना चले कि प्रधान है कौन, तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। देखिए इसी तरह से तुल्य प्राधान्य भी होगा, आगे आएगा, इन ये सभी गुणीभूत व्यंग की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखें जब हम काव्य बनाते हैं या काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें प्रधानता फिक्स करते समय बहुत ध्यान रखना, अच्छा ये इतना सूक्ष्म होता है कि प्रधानता को फिक्स कर पाना बड़ा कठिन है, इसलिए इन सब चीज़ों को जब काव्य में हम अप्लाई करेंगे तब हमारे सामने भी ये समस्या आ सकती है। अब देखिए कि यह श्लोक जो है कितना बढ़िया श्लोक है, इसमें दोनों अर्थ अच्छी तरह से निकल रहे हैं, ये तो ठीक है कि काव्य प्रकाशकार ने हमको दिखाया कि यहाँ तो यही संदेह हो रहा है कि वाच्यार्थ प्रधान है कि व्यंग्यार्थ प्रधान है। व्यंग्यार्थ आपने जान लिया, परिचुंबन करने की इच्छा की शंकर ने, वाच्यार्थ ये है कि वो देख रहे हैं तीनों आँखों से, उसके मुख को देख रहे हैं, तो ये कठिन कह पाना कठिन है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध प्रधान प्राधान्य नामक गुणीभूत व्यंग्य अलंकार है, यह पांचवा है, ठीक है। अब छठे पर चलें, तुल्य प्राधान्य, एक तो संदिग्ध हो
और जहाँ कुछ किसी काव्य में व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों समान प्रधान होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं। देखिए उदाहरण, ब्रह्मणातिक्रम त्यागो भवताम एव भूतये जामदग्न्यस्तथा मित्रम अन्यथा दुर्मनायते। देखिए कितनी अच्छी बात कही। ये संदेह एक्चुअली परशुराम ने ब्राह्मणों का अपमान करने पर रावण को संदेश भेजा था परशुराम ने। अब उस संदेश को माल्यवान नाम के उनके मंत्री थे रावण के, उनके पास भेजा, तो वो माल्यवान जो है गया रावण के पास, और रावण से वो माल्यवान कह रहा है, वो ये कह रहे हैं, वो इस काव्य में है, कह रहे हैं कि ब्राह्मण अतिक्रम त्याग भवताम एव भूतये। भाई हे रावण राजन, आपका ब्राह्मणों का अपमान, अतिक्रमण यानी अत्याचार, या ब्राह्मणों पर अत्याचार या अपमान का त्याग करना ही आपके कल्याण में है, आपकी समृद्धि में है, आपके हित में है। जामदग्न्यः तथा मित्रम, अगर ब्राह्मणों के अपमान को छोड़ देंगे तो परशुराम आपके मित्र होंगे। जामदग्न्यः तथा मित्रम, जामदग्नि यानी परशुराम, पर ऐसा करने पर यानी ब्राह्मणों का अपमान का त्याग करने पर, यानी उनका सम्मान कीजिए तो सम्मान करेंगे तो परशुराम आपके मित्र होंगे, अन्यथा दुर्मनायते, नहीं तो वो क्रोधित हो जाएंगे। ठीक है, अन्यथा वो दुर्मनायते यानी उनका मन दुर्मन हो जाएगा, यानी क्रुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है, अब इसमें देखिए तो कह रहे हैं कि अगर वो दुर्मनायते शब्द है, अन्यथा दुर्मनायते, आपने ब्राह्मणों का अपमान नहीं छोड़ा तो वो दुर्मनायते यानी क्रोधित हो जाएंगे। तो व्यंग्यार्थ ये निकलता है कि उनके क्रुद्ध होने का मतलब है कि जैसे उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार नाश किया, वैसे ही राक्षसों का भी नाश कर देंगे क्षण भर में। ध्यान रखिए, तो ये व्यंग्यार्थ हुआ। और नहीं तो वे वाच्य, जो वाच्यार्थ है दुर्मनायते, ये भी चमत्कारी हो रहा है। तो दोनों ही समान रूप से चमत्कारी हैं, इसी बात को आगे कह रहे हैं। देखिए, अत्र जामदग्निः सर्वेषां क्षत्रियाणाम इव रक्षसां क्षणाक्षयं करिष्यति। अगर वो क्रुद्ध हो गए तो जैसे क्षत्रियों का नाश किया था, सभी क्षत्रियों का नाश किया था, वैसे ही राक्षसों का भी एक क्षण में नाश कर देंगे। यह व्यंग्य है। और वाच्य, वाच्य तो जानते हैं दुर्मनायते, क्रुद्ध हो जाएंगे, आप अपमान का त्याग कर देंगे, ब्राह्मणों के अपमान का त्याग कर देंगे तो वो आपके मित्र होंगे, और नहीं तो क्रुद्ध हो जाएंगे, ये वाच्यार्थ है। तो ये भी प्रधान, कम प्रधान नहीं है, तो इसलिए तुल्य प्राधान्य, तुल्य प्राधान्य यहाँ इस काव्य में है। तो इस तरह से देखिए, ध्वनि अगर प्रधान है तभी ध्वनि काव्य कहा जाएगा, अगर समान सम भी हो जाए, बराबर भी हो जाए, ध्वनि गौण होना जरूरी नहीं है, बराबर भी हो जाए या संदिग्ध हो, संदेह हो कि प्रधान है कि नहीं ध्वनि, तब भी गुणीभूत व्यंग्य होता है। और समान प्राधान्य हो, यानी वाच्यार्थ भी उतना ही प्रधान हो और व्यंग्यार्थ भी उतना ही प्रधान हो, तो ऐसे में भी गुणीभूत व्यंग्य ही काव्य होता है, इस बात को हम समझें। ठीक है, तो इस तरह से तुल्य प्राधान्य का ये उदाहरण हुआ जो छठा है। अब सातवां देखें, काक्वाक्षिप्त। अब देखिए क्या होता है कि व्यंग्यार्थ, जैसे कहा ना शुरू शुरू में ही, नांद्री पयोधरादि तराम निगूढ़ प्रकाशः, तो एकदम से प्रकाशित भी नहीं होना चाहिए और गुर्जरी एकदम निगूढ़ भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा ढका हो, यानी थोड़ा गुड़ हो और थोड़ा अगुड़ हो, ऐसा काव्य उत्तम काव्य कहलाता है। तो काकुत से आक्षिप्त जो व्यंग्य होता है वह तो तुरंत ही पता चल जाता है ना। अब देखिए, आपको आपको भी पता चल जाएगा, देख लीजिए इसमें, यह जो है किस काव्य का है, इसमें दिया नहीं है, वो ऊपर वाला तो महावीर चरित का नाटक से है, और ये जो है काकुसाक्ष। देखिए,
मथना, वैसे तो महाभारत पर आधारित है, मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात दुशासनस्य रुधिरम न पिबामि उरस्ता संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु संधिम करोत भवताम नृपति पणेन। कह रहा है ये एक्चुअली भीम की उक्ति है, ये उक्ति जो है भीम की है। कह रहे हैं कि भाई आपके राजा, दोनों शायद पार्वती के साथ बात हो रही है, हाँ पार्वती के साथ। तो आप अब आपके राजा का मतलब हुआ कि युधिष्ठिर, आपके राजा संधि करनी हो तो करें, संधिम करो तो भवताम नृपति ही, आपके राजा पणेना यने शर्त लगा करके संधि उनको करनी है तो करें। क्या मैं सैकड़ों कौरवों को क्रोध के कारण युद्ध में मार नहीं डालूंगा? जरूर मार डालूंगा। अब मार नहीं डालूंगा ये तो है बोलने का टोन, जो मुख्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या निकला कि अवश्य मार डालूंगा, उनको संधि करनी हो तो करें, संधि उनकी होगी हमारी नहीं होगी, मैं संधि नहीं करूंगा, मुझे ये मंजूर नहीं है, मुझे तो उनको मारना ही मंजूर है। ये सब व्यंग्यार्थ है उसमें। क्या मैं सैकड़ों कौरवों को युद्ध में कोप के कारण नहीं मार डालूंगा, अर्थात मार ही डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, संधि करनी हो युधिष्ठिर तो करें, वो तो आपके राजा होंगे हमारे नहीं। ये भी भवताम नृपति ही, ये भी व्यंजक है जान लीजिए, यानी जब मैं कौरवों का नाश करूंगा, सभी कौरवों का उपको मारूंगा, उस समय राजा की आज्ञा का मुझे पालन नहीं करना है, इसलिए तब तक के लिए, जब तक मैं ये सब काम न कर दूं, तब तक के लिए युधिष्ठिर मेरे राजा नहीं होंगे, इसीलिए आपके राजा हैं हमारे राजा नहीं हैं। भवताम का मतलब ये होता है, ये व्यंग्यार्थ है उसका, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ तो काकवाक्षिप्त है, तो काकू से जो आक्षिप्त ध्वनि निकल रही है वो कहते हैं क्या मैं नहीं मार डालूंगा, अर्थात अवश्य मार डालूंगा। दुशासन से रुधिरम न पिबामि उरस्ता, क्या दुशासन की छाती से खून निकाल करके मैं नहीं पीऊंगा, अवश्य पीऊंगा, कोई रोक नहीं सकता है हमको। संचूर्णयामि गदया न सुयोधन, क्या मैं दुर्योधन के जांघ को नहीं तोड़ डालूंगा, क्योंकि संकल्प किया था ना, जो चिरहरण हुआ था उस समय ये दो संकल्प किए थे, कि संकल्प तो इन्होंने वो किया था, संकल्प तो किया था गदा को तोड़ने का ही, अरे जांघ को तोड़ने का ही, लेकिन दुशासन की छाती से खून लाने का संकल्प द्रौपदी की वजह से उन्होंने किया, क्योंकि उसने संकल्प किया था कि मैं यह बाल आज से खुल रही हूँ और ये बाल हमारे तभी बंधेंगे जब इन बालों को, इन सिर को दुशासन की छाती के खून से मैं जब तक नहीं धोऊंगी तब तक ये बाल बंधेंगे नहीं, खुले ही रहेंगे। इसलिए द्रौपदी के बाल खुले थे, ठीक है, दुशासन की मृत्यु तक खुले रहे, जान लीजिए। तो वही कह रहे हैं क्या दुशासन की छाती से खून निकाल कर मैं नहीं पीऊँगा, तो उसमें क्या हुआ कि जब वो निकाले तो पिए भी और लेकर आए पार्वती को दिए, अरे द्रौपदी को दिए भी, उसी खून से उसने धोया अपना माथ, उसके बाद बांधना शुरू किया, ठीक है। तो ये स्थिति है, और उसके जांघ को तोड़ने का संकल्प तो भीम ने किया था कि जिस जांघ पर नंगी द्रौपदी को बिठाने का तुम आदेश दे रहे थे, उस जांघ को मैं तोड़ दूंगा। आप जानते हैं गदा युद्ध में कमर के नीचे मारना गैरकानूनी है, ठीक है, गलत है, नहीं मारा जाता है, लेकिन दुर्योधन ने इस गलत काम को किया क्योंकि संकल्प किया था। तो गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता गदा से, लेकिन भीम ने वो काम किया, उसको तोड़ दिया था, उसके उरु को, जांघ को। तो वही कह रहे क्या मैं गदा से सुयोधन के जांघों को नहीं तोड़ूंगा, अवश्य तोड़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, आपके राजा होंगे, मेरे राजा नहीं है, मैं तो जब तक ये सब काम नहीं करूँगा तब तक उनको राजा मानूंगा ही नहीं, तब तक के लिए आपके राजा हैं, आप उनको मानिए, आपको जो मानना है मानिए, मेरे लिए वो राजा अभी नहीं है, इतना काम करने के बाद मैं उनको राजा मानूंगा, फिलहाल नहीं मानूंगा, ये कहना है। तो इस तरह से काकवक्षित है, अत्र मथनामि एव, मैं मारूंगा ही मारूंगा।
इत्यादि व्यंग्यम वाच्य निषेध सह भावेन स्थितम। वाच्य में जो निषेध परक अर्थ है, क्या मैं नहीं मारूंगा, क्या मैं नहीं पीऊंगा, क्या मैं संचूर्णित यानी चूर चूर नहीं करूंगा, अवश्य तो नहीं करूंगा मैं निषेध है, तो ये वाच्यार्थ के साथ है। व्यंग्यार्थ क्या है, अवश्य मारूंगा, अवश्य पीऊंगा और अवश्य तोड़ूंगा, है ना, ये एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, वो टोन है ना, टोन से ही, क्या मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो काकू काकू उसी को कहते हैं, काकू अर्थ अर्थ में काकू जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को ही यहाँ पर लिया दिया है, तो काकू से जो आक्षिप्त व्यंग्य होता है उसको काकुआक्षिप्त व्यंग्य कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि काकू में जो वाच्यार्थ है वो निषेध परक है और व्यंग्यार्थ है विधि परक है, अवश्य मारूंगा, अवश्य पीऊंगा और अवश्य तोड़ूंगा, ठीक है, तो इस तरह से काकुआक्षिप्त है। असुंदर आठवां है, असुंदर भेद वाणीर कुडंग गुड्डी कुडंगुड्डीण सौणी कोलाहलम सुनंती ये घर कम वावडाए बहुवे सीयंती अंगाई। वाणीर कुंजोड्डीन शकुनी कोलाहलम श्रृण्वंत्याः गृहकर्म व्यापृतायाः वध्वाः सीदन्ति अंगानि। वाणीर यने बेत, बेत होती है ना, बेत बहुत हल्की लकड़ी होती है, उसकी लता के कुंज में उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल को सुनती हुई, सुनने वाली और गृह कार्य में व्यस्त, घर गृह कर्म व्यापृताया गृह कर्म में व्यस्त, वधवाहा यानी वधु के अंग जो हैं सीदंती यानी मुरझा रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, ये हैं। बेत की कुंज यानी लता कुंज में उड़ने वाले पक्षियों के कोलाहल को सुनने वाली, सुनती हुई और गृह कार्य में व्यस्त वधु के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं। अत्र दत्त संकेतः कश्चित् लता गहनम प्रविष्टः। अब देखिए लता कुंज में पक्षी हल्ला क्यों करेंगे, कोई गया है, पहले से इन दोनों का संकेत यानी वहाँ मिलने का संकेत फिक्स किया गया था, तो अब ये वो जो है नायक गया होगा, वहाँ गया होगा इसलिए पक्षी जो है उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं तो उस आवाज़ भी करेंगे, तो आवाज़ कर रहे हैं तो उसके उनके कोलाहल को सुन रही है ये, लेकिन अब वो तो गया, दोनों का फिक्स था तो इसको भी जाना था, लेकिन ये नहीं जा सकी क्योंकि ये घर के काम में व्यस्त थी, तो नहीं जा सकी, इसलिए अब जो है इसके अंग जो है मुरझा रहे हैं, ठीक है, शिथिल हो रहे हैं, ये है। तो अत्र दत्त संकेतः कश्चित् लता गहनम प्रविष्टः इति व्यंग्यात्, यानी अब व्यंग्यार्थ क्या निकला कि कोई जो कि संकेत दिया था कि भाई आएंगे हम लोग मिलेंगे, वह जो है लता गहन में प्रवेश कर चुका है जिसकी वजह से ये कोलाहल हो रहा है, क्षमा करेंगे। और सीदंती अंगानी, और वाच्यार्थ क्या है कि अंग उसके शिथिल हो रहे हैं, यह चमत्कार हो रहा है, ठीक है, इसका चमत्कार ज्यादा है। और कोई लता गहन में प्रविष्ट किया जो व्यंग्यार्थ है, वह व्यंग्यार्थ अप्रधान है, गौण है, लेकिन अंग का शिथिल होना या मुरझाना ये असुंदर की श्रेणी में माना गया है, इसलिए उसको असुंदर कहा जाता है। आप जानते हैं सुंदर किसको कहते हैं, सुंदम इव रात इति सुंदरम। अब सुंदर तो ये व्याख्या है, ये व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, रामसागर त्रिपाठी जी ने इसी काव्य प्रकाश की व्याख्या में कहा है और ध्वन्यालोक की व्याख्या में भी उन्होंने कहा है सुंदर की व्याख्या, यानी सुंदम इव रात इति सुंदरम, एक तो ये व्याख्या है और भाषा वैज्ञानिक व्याख्या है सुनर इति सुंदरम, सुनरम इति सुंदरम, यानी जो अच्छे अच्छा आदमी होता है, अच्छा नर होता है वो सुंदर होता है, उसमें न के साथ द का आगम हो गया, वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वचापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थात शयन योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो जो निरुक्त के पांच नियम हैं, पांच सिद्धांत हैं, वो पांच सिद्धांत संस्कृत में भी लागू पड़ते हैं, प्राकृत में तो लागू खूब पड़ते हैं, वो हम बता चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ पर सुंदर शब्द
सुनर शब्द से बना हुआ है, न में द का आगम हो गया, और कोई व्याख्या नहीं है उसकी। शोभना नारायती सुनर सुनर एवं सुंदर ऐसा है। तो चले आगे, तो इस तरह से असुंदर है ये, सुंदर नहीं है, इस तरह से उन्होंने असुंदर गुणीभूत व्यंग का इन्होंने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर आठों भेद पूरे हो गए, आठ भेद पूरे हो गए। अब क्या करना है, तो कह रहे हैं कि एषाम भेदा यथा योगम वेदितव्यास्य पूर्ववत्। इनके भेद को, अब एषाम यानी गुणीभूत व्यंग्याना, गुणीभूत व्यंग के जो भेद हैं और उनके अवान्तर भेद भी हैं, उन भेदों को यथासंभव पहले कहे गए ध्वनि के भेदों, पहले ध्वनि के भेद होने कितने हुए थे, 10455, तो 10455 भेदों के अनुसार ही इन गुणीभूत व्यंग के भेदों को भी समझना चाहिए। अब उसकी युक्ति आगे बताएंगे कि कैसे उनके भेद समझें आप, सबका उदाहरण देंगे नहीं, लेकिन भेदों की गणना करके दिखा जरूर देंगे आप, ठीक है। अब इन भेदों की गणना करने में एक युक्ति बता रहे हैं, और उस युक्ति के लिए उन्होंने उन्होंने ध्वन्यालोककार आनंद वर्धन का सहारा लिया, ठीक है, सहारा लिया, या यथा योगम शब्द कहा ना, योग के अनुसार। अब योग क्या चीज है, तो कह रहे हैं यथा योगम इति, यथा योग क्या है, तो कहते हैं व्यज्यन्ते वस्तु मात्रेण यदा अलंकृतयः तदा ध्रुवम ध्वन्यंगता तासाम काव्यवृत्तेः तदाश्रयात्। ठीक है, ध्वनि आखिर में कहाँ रहती है काव्य में, काव्य किसको कहते हैं, शब्द और अर्थ को, वे शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए, अदोष यानी दोष रहित हो, गुण सहित हो, और अलंकार सहित भी होने चाहिए, ध्यान रखिए काव्य की परिभाषा दिया है ना, तो अदोष दोष रहित, गुण सहित और अलंकार सहित, यानी बेस में काव्य के मूल स्ट्रक्चर में अलंकार है, ठीक है, काव्य के मूल स्ट्रक्चर में अलंकार है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या चीज़ें हैं, दोष का अभाव, फिर गुण की उपस्थिति, फिर अलंकार की उपस्थिति, यानी बेस में है वो, उसको ध्यान में रखना है, इसलिए इसकी व्याख्या आसान हो जाएगी। कह रहे हैं वस्तु मात्रेण यदा अलंकृतयः व्यज्यन्ते, वस्तु मात्र से, वस्तु से वस्तु होता है आप जानते हैं, अर्थशक्ति उत्थ जो ध्वनि होती है, उसके तीन भेद स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, तीन हुए, और तीन के चार चार भाग होते हैं, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, व अलंकार से वस्तु, और अलंकार से अलंकार, ये चार हुए ना, तो ये चारों को तीन के साथ बांट दीजिए तो 12 भेद हो जाते हैं। अब ये 12 भेदों में वस्तु से अलंकार आया ना दूसरे नंबर पे, तो ये वस्तु से अलंकार स्वतः संभवी में भी होगा, वस्तु से अलंकार कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में भी होगा, और वस्तु से अलंकार कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में भी होगा, यानी तीन हो गए, ठीक है, ये तीन हो गए ना। ये तीन जो भेद हैं वे अब उनके बारे में ये कह रहे हैं कि ये वस्तु मात्र से जब अलंकार अलंकृत यह है, यानी बहुत सारे अलंकार, वस्तु मात्र से जब अलंकार व्यंजित होते हैं, यदा यदा यानी जब, जब अलंकार व्यंजित होते हैं तदा, तब होता क्या है, तो कह रहे ध्रुवम ध्वनि अंगता तासाम, निश्चित रूप से, ठीक है, वे ध्वनि के उनकी अंगता होती है, तासाम यानी तासाम अलंकृति नाम, वो ध्वनि के ही अंग होते हैं, ध्रुवम ध्वनि अंगता तासाम, क्यों, यानी उसको ध्वनि के साथ ही जोड़ना पड़ेगा, आप गुणीभूत व्यंग नहीं कर सकते हैं उनको, ठीक है, उनको आप गुणीभूत व्यंग में नहीं लिया, यानी वो गौण हो ही नहीं सकती है, वो ध्वनि का ही हिस्सा बनता है, जब अलंकार व्यंग्य होता है तब वो ध्वनि का ही भाग बनता है, क्यों, तो कह रहे हैं कि काव्य वृत्ते तदाश्रयात,
काव्य की वृत्ति में ही उसका आश्रय, काव्य की वृत्ति ही उस पर आश्रित रहती है अलंकार पर। भाई काव्य आया कहाँ से, काव्य किसको आप कहेंगे, उसमें अलंकार तो है ना, तो बेस में अलंकार है, यहाँ अलंकार ध्वनि अलंकार भी बन गया, तो ये जो है उसको आपको गौण कैसे बना सकते, गौण तो बना ही नहीं सकते है ना। तो जब अलंकार व्यंग्य होगा तो वह ध्वनि यानी वही प्रधान होता है, उसको आप गौण कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो काव्य का मेन मुख्य भाग है, तो उस भाग को के होने की वजह से उसको आप गौण नहीं कह सकते हैं, वही कह रहे हैं। इति ध्वनि का आरोप, अच्छा ये बात आनंदवर्धन ने कही है, ममटाचार्य ने उसको यहाँ कोट कर दिया है, ठीक है, ममटाचार्य ने कहा भाई हम उनके अनुसार, इति ध्वनि का आरोप दिशा, इस प्रकार ध्वनिकार यानी आनंदवर्धनाचार्य के द्वारा कहे गई दिशा के द्वारा वस्तु मात्रेण, वस्तु मात्र से यत्र यानी जहाँ, जहाँ मीन्स जिस काव्य में अलंकारो व्यज्यते, जहाँ पर अलंकार व्यंजित होता है, जहाँ पर अलंकार व्यंग्य होता है, न तत्र गुणीभूत व्यंग्यत्वम, वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने तीन तो आपको गिनवाए, वस्तु से अलंकार ध्वनि स्वतः संभवी में, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में वस्तु से अलंकार ध्वनि दूसरा हुआ, और कवि वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में वस्तु से अलंकार, ये तीन तो हो गए। अब ये तीन जो है किस में होंगे, पद में होंगे, वाक्य में होंगे और प्रबंध में होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वाक्य वाक्य प्रबंध सॉरी पद वाक्य और प्रबंध इन तीनों में होते हैं, तो तीन को तीन से गुणा कर दीजिए, कितना हुआ नौ। अब ये नौ और ध्वनि के हमने कितने भेद बनाए थे, शुद्ध ध्वनि के भेद कितने बनाए थे, 51, याद कीजिए हमने 51 कहा था, तो 51 में जो नौ ये हैं ये निकल जाएंगे, तो कितना बचेगा 42 होगा ना, तो 42 भेद गुणीभूत व्यंग्य के शुद्ध रूप से होते हैं, जैसे वहाँ शुद्ध ध्वनि के 51 भेद हैं, वैसे ही गुणीभूत व्यंग्य के शुद्ध भेद 42 होते हैं, इस बात को जानिएगा। अब चलते हैं आगे, अब इसको हम आपको बताते चले, हाँ तो आगे आगे चले हैं। तो 51 में से अब देखिए फिर क्या हुआ, 42 तो हो गया, अब ये 42 जो भेद कहे गए हैं, ये 42 भेद ये 8 भेदों के साथ गुणित होंगे, क्योंकि आठों आठ भेद उन 42 के साथ जुड़ेंगे ना, ठीक है ना, तो 42 में एक के साथ 8, तो 42 के साथ गुणे 8 हो जाएगा, गुणा करने के ना, ये 8 भेद अभी बताए ना कौन कौन से, अगूढ़ अपरांग, ठीक है ना, फिर क्या है संदिग्ध तुल्य प्रधानी वगैरह वगैरह, अभी जो 8 गिनवाए हम लोग, तो 42 में 8 आप गुणा कीजिए तो कितना होगा 336, यानी 336 भेद हो गए, ठीक है, 42 भेद शुद्ध रूप से गुणीभूत व्यंग्य हुए, उसमें गुणीभूत व्यंग्य जो 8 भेद अभी बताए गए तो उसमें गुणा कर देंगे 336 हुआ, 336 के बाद अब आगे क्या है, तो कह रहे हैं संसृष्टि और शंकर भी आएंगे ना इसमें, ओहो, तो संसृष्टि और शंकर के 4 स्टेज बनते हैं आप जानते हैं, संसृष्टि आप जानते हैं, फिर से याद दिला दो, संसृष्टि जाने तिल और तंडुलवत जो मिश्रण होता है वो संसृष्टि कहलाता है, जिसमें दोनों का मिश्रण होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, काला तिल अलग दिखाई पड़ेगा, सफ़ेद चावल अलग दिखाई पड़ेगा, और शंकर भी आता है, तो शंकर के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना, अन्योन्याश्रित वगैरह वगैरह जो 4 बताए थे ना, वो 3 बताए थे, तो वो जो अच्छा शंकर का मिश्रण किस प्रकार का होता है, तो नीर क्षीरवत, ठीक है ना, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो भेद ही दिखाई नहीं पड़ता है, मिक्स हो जाते हैं, तो उसमें जो है अब इसीलिए संसृष्टि को निरपेक्ष मिश्रण कहा जाता है और शंकर को सापेक्ष मिश्रण कहा जाता है, ठीक है, तो वो करने पर 4 का गुणा और कर देंगे आप, आगे चलिए, ठीक है ना, हाँ अच्छा, इन भेदों की बात तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन भेदों की बात करने से पहले ये टेक्स्ट आता है उसका भी अर्थ करते चलें, ये सारे भेदों 336 याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, अभी तक हम 336 भेद किए हैं, ठीक है, तो
अब देखें आगे कह रहे हैं सालंकारैर ध्वनेस्तैश्च योगः संसृष्टि शंकरैः। संसृष्टि शंकर है सालंकारैः इति तैः एव अलंकारैः अलंकारयुक्तैश्च तैः तदुक्तं ध्वनिकृता स्वगुणीभूत व्यंग्यैः सालंकारैः सह प्रभेदैः स्वैः शंकर संसृष्टिभ्यां पुनरपि उद्योतते बहुधा। ठीक है, अब यहाँ फिर से जो है वो ले आ रहे हैं, भेद की अनंतता को ले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सालंकारई ही, अभी जो सालंकारई है इसके दो अर्थ करने हैं, अलंकृति रूप उन्हीं गुणीभूत व्यंग्यों के भेद और उपमा आदिवाच्य जो अलंकार होते हैं वे। ठीक है, ध्वनि के भेदों की संसृष्टि तिल तंडुल न्याय और सापेक्ष भाव निर्जीव न्याय से इन सबसे योग होता है। ठीक है, काव्य के शोभाजनक अलंकृति रूप उन्हीं गुणीभूत व्यंग्य के भेदों और उपमा वाच्य जो अलंकार हैं उनके साथ ध्वनि के भेदों की संसृष्टि और संकर होता है। कहें ना सालंकार ही ध्वनि तैश्च योग संसृष्टि संकर, संसृष्टि और संकर से इनके साथ भेद होता है। किसके साथ? तो कह रहे हैं कि जो गुणीभूत व्यंग्य हैं, ठीक है, अलंकृति रूप अलंकार रूप जो गुणीभूत व्यंग्य हैं वे और वाच्य जो उपमा आदि अलंकार वाच्य हैं वो उनके साथ यथा योग का ये मतलब है वो जो है संसृष्टि और संकर दोनों होगा। चार का गुणा करने के लिए ध्यान रखिएगा, चार होता है ना उसके। अब सालंकार ही तय है व अलंकार ही, सालंकार मतलब क्या होता है? अब ये सालंकार ही दो के लिए आएगा, अर्थ अलंकृति शोभा युक्त गुणीभूत व्यंग्य में जो आते हैं वो। बात यह है, देखिए काव्य जब आप बनाते हैं तो गुणीभूत व्यंग्य खुद भी एक अलंकार है, क्योंकि इससे भी तो शोभा बढ़ती है ना, तो ये खुद भी एक अलंकार है, तो ये तो व्यंग्य होता है, तो व्यंग्य होता है तो यह एक अलंकार हो गया, क्योंकि शोभा ये भी बढ़ा रहा है। और दूसरे अलंकार वो होते हैं जो वाच्य होते हैं, मुखम कमलम इव इस तरह से, इव आदि के द्वारा जो हम शब्द से ही जान जाते हैं, तो ऐसे अलंकार भी होते हैं। तो वाच्य अलंकार और व्यंग्य अलंकार, व्यंग्य अलंकार में जो गुणीभूत व्यंग्य होता है इन दोनों से संसृष्टि और संकर का योग होता है। ठीक है, ठीक है ना, सालंकार ही से अलंकृति गुणीभूत व्यंग्य के जो भेद हैं वे, यानी सारे गुणीभूत व्यंग्य अलंकार हैं, ये उपमा आदि अलंकारों जैसे नहीं हैं, सारे जो गुणीभूत व्यंग्य है ध्वनि है वो भी अलंकार शोभा को बढ़ाती है, इसलिए यहाँ पर अलंकार जो है शोभा वर्धक मानेंगे। ठीक है, शोभा के अधायक हैं ये इस रूप में, और जो पारंपरिक अलंकार है उपमा रूपक इत्यादि वो अलंकार, तो दोनों अर्थ इसी सालंकार इसे ही लेना है। तो कह रहे हैं कि उनके उपमा आदि वाच्य अलंकार के सहित ध्वनि के भेदों की, और फिर ध्वनि के भेदों भी भेद भी आएंगे, आता है ना ध्वनि इति ध्वने है, ठीक है ना, ध्वनि के भेदों के साथ, यानी देखिए गुणीभूत व्यंग्य के जो भेद हैं जो बनेगा अभी तो बनना बाकी है ये, और ध्वनि के भेद तो आ गए हैं ना पहले ही 10455, तो उन भेदों के साथ संसृष्टि और संकर भी होता है। अब बताइए कितना सारा हो जाएगा, 10555 तो 10455 तो पहले ही था, 336 अभी हुआ है, अभी होना बाकी है आगे। तो आनंद वर्धनाचार्य ने कहा कि भाई ध्वनि के भेदों के साथ इसको भी मिक्स कीजिए, किसको, गुणीभूत व्यंग्य के भेदों को भी मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद संसृष्टि और संकर के साथ इसका गुणा कीजिए, तो 336 तो हुआ था, अब उसमें 8 और जोड़े हैं, तो हाँ तो 8 जोड़ दिया 336 हुआ है, तो उसके बाद इनके भेद प्रभेदों के साथ इनको आप जोड़ेंगे ना, यो यथा योग का मतलब ये हुआ, तो ध्वनि के भेद और गुणीभूत व्यंग्य के भेद ये आपस में जुड़ेंगे, और जो उपमा आदि अलंकार उनके साथ भी उनको जोड़ना है वो भी लाना है। अब आगे चलते हैं, सगुणीभूत व्यंग्य ही सालंकार ही स प्रभेद ही स्वयं ही, वह गुणीभूत व्यंग्य वह यानी वह ध्वनि
गुणी वह ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यों और सालंकार, सालंकार ही गुणीभूत यानी अलंकार युक्त जो शोभादायक धर्म है, इसलिए गुणीभूत व्यंग्य अलंकारों के साथ और जो अलंकार हैं वो अपने भेद प्रभेदों के साथ शंकर संसृष्टि भ्याम, शंकर और संसृष्टि के रूप में यानी चार गुणा करके ये फिर के साथ जुड़ करके मिक्स हो करके पुनः अपि उद्योतते फिर तीसरी एक और रूप बन जाते हैं और फिर वो चमत्कारी हो जाते हैं। अब बताइए ये क्या मतलब हुआ। आप जानते हैं ना पहले ही उस दिन कहा गया था कि जब कोई काव्य बनता है तो ऐसा नहीं कि एक ही उसमें ध्वनि होगी और बाकी कोई ध्वनि होगी ही नहीं, एक ध्वनि ऐसी होगी जो प्रधान होगी, दूसरे अंश में उसके एक भाग में ऐसा भी होगा जहाँ पर ध्वनि होगी लेकिन गौण होगी तो वहाँ गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा, उसी अंश उसी काव्य में उसी एक अंश में ऐसा हो जाता है। तो ये सब अब कहने प्राधान्य विपदेशा भवंती, भाई प्रधानता के आधार पर उसके कथन को किया जाता है, नामकरण किया जाता है, जो प्रधान है उसी का नाम दे दिया। इसका मतलब यह नहीं वो केवल वही रहता है और भी रहते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर ध्वनि के भेदों के साथ गुणीभूत व्यंग्य के भेदों को परस्पर जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का क्या, गुणन कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और गुणा करने के बाद फिर उस संसृष्टि और शंकर भी कर रहे हैं उसका आपस में, यानी उनका गुणा कर देंगे तभी संसृष्टि और शंकर बनेगा। तो इस तरह से करने के बाद वो और भी चमत्कारी हो जाते हैं, ठीक है। तो जब चमत्कारी हो जाते हो तो अभी तो आपके मन में ही अभी आपको लग गया कि भाई इसको तो बड़ा कठिन है, इसको कैसे गिनेंगे, कैसे आप कितने भेद बनाएंगे 10,400। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बहुधा देखिए अनेक तरह से वो चमत्कृत होते हैं, पुनरपि बहुधा उद्योतते अनेक तरह से वो प्रकाशित होते हैं, चमत्कारी होते हैं। अन्योन्य योगात एवं स्यात भेद संख्याति भूयसी, अब सबको एक साथ अब जब जोड़ेंगे, परस्पर जोड़ेंगे, परस्पर गुणा करेंगे तो इस तरह से करते करते वह संख्या अति भूयसी हो जाएगी, बहुत विशाल हो जाएगी संख्या। तो ध्वनि के भेदों की संख्या गिनना बहुत कठिन हो जाएगा, ऑलमोस्ट असंभव हो जाएगा। एवं अनेन प्रकारेण अवांतर भेद गणने अति प्रभुत तरह गणना, इस प्रकार से अवांतर भेदों के साथ उनका संकर संसृष्टि, आप जानते हैं ना संकर संसृष्टि, तो संकर संसृष्टि करेंगे तो ये करते 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 गणना तो बहुत बहुत विशाल हो जाएगी। तथा ही अब उसमें फिर आगे श्रृंगारस्य एव, एक रस लीजिए श्रृंगार रस, वही कह रहे केवल एक श्रृंगार रस का ही भेद प्रभेद गणनायाम, भेद और प्रभेद की गणना में अनंत्यम अनंतता आ जाएगी उसका, केवल श्रृंगार रस के ही भेद प्रभेद की गणना आप नहीं कर पाएंगे, वो अनंत हो जाएगी, गणना संभव ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो संभव नहीं बनेगी तो फिर का गणना तू सर्वेशा, तो फिर अभी तो कितने सारे हैं भाई, नौ तो रस ही हैं, ठीक है, नौ रस हो गए, अभी तो एक रस की गणना संभव नहीं है, बाकी के आठ रस, उसके बाद भाव, उसके बाद रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि और भाव सबलता, इन सब को भी आप उसमें जोड़िए, कितना सारा हो जाएगा, अरे बाप रे, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा है। तो इस तरह से अब जब आप करेंगे तो वही कह रहे हैं कि भाई इनका भाई बाकी के रसों की, बाकी के ध्वनि के भेदों की गणना तो कैसे होगी, ठीक है। तो इस तरह से वह ध्वनि के भेद जो है अनंत हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए गणना कैसे होती है, तो 336 तो हुआ था ना, ठीक है, अब देखिए तो 42 हुआ था, तो 42 में 42 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो 42 में 42 का गुणा करने पर कितना हुआ था, वहाँ 42 × 8 8 का गुणा किया तो 42 में 42 फिर से गुणा करेंगे शंकर संसृष्टि करते हुए, और उसमें फिर 4 शंकर संसृष्टि करेंगे तो 7056 भेद बनते हैं। ये 56 क्या किया कि 42 में 42 का भेद गुणा किया शंकर संसृष्टि के अनुसार, नहीं गुणा कर दिया, वो उसका क्या किया
संसृष्टि और शंकर किया चार, तो उसका इस तरह से भेद बनता है 7056। और उसके बाद शुद्ध भेदों को उसमें मिला देंगे, 42 में और जोड़ दीजिए, 42 में क्या है ना, तो 7056 में 42 जोड़ेंगे तो 7098 हो जाएगा। 7098 भेद तो गुणीभूत व्यंग्य के शुद्ध रूप से बने, हाँ बने, इसलिए आठों अवान्तर भेदों को इसमें मिला दीजिए तो 7098 में 8 का गुणा करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 56784 होगा। अब 56784 जब करेंगे तो उसके बाद से ठीक है ना, उसके बाद और भी आगे प्रक्रिया बनेगी, उसमें फिर ध्वनि के जो भेद हैं उनको उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये जो गुणा करने की प्रक्रिया फिर आगे सिखा रहे हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक तो बन गया, ध्यान रखिएगा 56784 अभी तक हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, संकलन की प्रक्रिया। अब उसमें सभी भेदों का संकलन कर रहे हैं, करना पड़ेगा ना, तो कह रहे हैं कि भाई संकलन की जब प्रक्रिया करेंगे तब होगा क्या, तब कह रहे हैं संकलन पुनरस्य ध्वने त्रयो भेदा व्यंग्य से त्रिरूपत्वात्, ठीक है। अब जब संकलन कैसे किया तो कह रहे हैं कि ध्वनि के 12 भेद, तो 12 भेद संकलन की संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार 42 में एक जोड़ देंगे 43 होगा, उसमें गुणे 42/2 यानि 43 में 21 का गुणा करेंगे, 21 का गुणा करने के बाद 903 आएगा, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो 3612 होगा, और 3612 और उसमें फिर 42 जोड़ेंगे तो 3654। अब ये ये भेद बनेंगे गुणीभूत व्यंग्य के, इनको ध्वनि के 10455 हैं, इनके साथ गुणा कीजिए तो 10455 में 3654 का गुणा करेंगे तो बनेगा 3,82,00,000, नहीं हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,00,000 3,82,02,2,570 ये होगा। इनके साथ फिर संसृष्टिकृत भेद होंगे, इस संख्या को 4 से गुणा करेंगे तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 15,28,10,280 इतने भेद बनेंगे। और ये बनने के बाद गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेदों की दृष्टि से इस संख्या को 8 से और गुणा करेंगे तो बाप रे बाप, यानि 1,22,24,08,240 इस तरह की संख्या बनेगी। अब आप जोड़ते रहिए, ये तो हमने इन्होंने करके दिया है तो हम पढ़ के बता दिया आपको, हमने किया नहीं, ठीक है। तो इस संकलन किया सब कुछ तब जाके ऐसा हुआ। अब इतना भेद तो उन्होंने कर दिया, फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि संकलन पुनरस्य, संकलन करने से इन व्यंग्य के फिर 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, इस ध्वनि के फिर 3 प्रकार हो जाते हैं, 3 भेद हो जाते हैं, त्रयो भेदाः व्यंग्य से त्रिरूप, क्योंकि व्यंग्य जो है 3 तरह का होता है। अब ये भी एक बात है, व्यंग्य 3 तरह का होता है, किस तरह से, तो तथा ही जैसे किंचित वाच्यताम सहते, कोई व्यंग्य ऐसा होता है जो वाच्यता को सहन करता है, ठीक है। किंचित वाच्यताम सहते यानि कुछ व्यंग्य ऐसे होते हैं जो वाच्यता को सहन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ व्यंग्य वाच्य भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वस्तु है तो वस्तु व्यंग्य होती है तो वाच्य भी तो होती है, उसी तरह से जैसे अलंकार वाच्य है और व्यंग्य भी है, दोनों है, ठीक है, ध्यान रखिए। अलंकार जो वाच्य भी होता है और व्यंग्य भी होता है, वस्तु वाच्य भी होती है व्यंग्य भी होती है, दोनों बातें हैं। तो वही कह रहे हैं कि कुछ व्यंग्य ऐसे होते हैं जो वाच्यता को सहन करते हैं,
सहन का मतलब होता है कि वो वाच्य भी होते हैं और व्यंग्य भी होते हैं, ठीक है। किंचित तू अन्यथा, कुछ ऐसे होते हैं जो अन्यथा होते हैं, यानी सहन नहीं करते हैं। कुछ व्यंग्य ऐसे होते हैं जो वाच्य को सहन नहीं करते, यानी उनके लिए वाच्यता तो बिल्कुल होती ही नहीं, उनको वाच्य आप कभी कर ही नहीं सकते हैं, ये है। तत्र वाच्यताम असहम असहम, तत्र वाच्यता सहम अविचित्रम विचित्रम च इति। अब कह रहे हैं कि जिसमें अब ऐसा ऐसी ध्वनि ऐसा व्यंग्य जिसमें वाच्यता को सहन करने की शक्ति होती है, ऐसा व्यंग्य जो वाच्य को सहन करता है वह भी दो तरह का होता है, एक अविचित्र होता है और दूसरा विचित्र होता है, ठीक है। तो अविचित्रम वस्तु मात्रम, तो जो अविचित्र होता है वह वस्तु ध्वनि होती है, यानी वस्तु ध्वनि अगर व्यंग्य है और वाच्य है तो वह अविचित्र होती, व्यंग्य होता होगा तो अविचित्र नहीं, व्यंग्य होगा तब तो ठीक है, लेकिन वाच्य होगा तो अविचित्र होगा। और विचित्रम तू अलंकार रूपम, जो विचित्र होता है वह अलंकार रूप होता है, ठीक है। तो अब देखिए, यद्यपि प्राधान्येन तद अलंकार्यम, जो अलंकार ध्वनि होती है, तो अगर अलंकार ध्वनि है तो वो तो अलंकार्य हुआ ना, अलंकार थोड़े कहेंगे उसको, अलंकार्य है यानी वही प्रधान है, तो प्रधान है तो उसको अलंकार्य कहा जाए, अलंकार क्यों कहेंगे उसको। तो उसके लिए कह रहे हैं कि यद्यपि प्राधान्येन तद अलंकार्यम, प्रधान होने से व्यंग्य प्रधान है और अलंकार व्यंग्य है तो अलंकार अलंकार्य हो गया, प्रधान है तो, तथापि ब्राह्मण श्रमण न्याय न तथा उच्यते, फिर भी उसको ब्राह्मण श्रमण न्याय से उसको अलंकार ही कहा जाता है, अलंकार्य नहीं कहते हैं, जो अलंकार है वो अलंकार ही कहिए उसको भाई, अलंकार्य मत कहिए। कैसे? ठीक वैसे ही तो आ गया है, पहले भी आ गया है ब्राह्मण श्रमण न्याय, कोई आदमी पहले ब्राह्मण था बाद में श्रमण हो गया, तो श्रमण होने पर भी आए ब्राह्मण श्रमण जा रहा है, यानी वो ब्राह्मण था पहले अब श्रमण हो गया है, पूर्वम ब्राह्मण पश्चात श्रमण। तो अलंकार अगर ध्वनि है तब भी उसको अलंकार ही कहते हैं, अलंकार्य नहीं कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर, मुझे लगता है आपको भी समझ में आ गया होगा। अब आगे रस के बारे में कहते हैं, रस जो है अलंकार को सहन नहीं, अरे रस जो है वाच्य को सहन नहीं करता है, लगता है ना कि किंचित तू अन्यथा, कुछ है, कुछ व्यंग्य ऐसे होते हैं जो वाच्य को सहन नहीं करते, तो वो कौन होते हैं, तो वही रसादि लक्षण, रसादि वाच्य को सहन नहीं करते, यानी रसादि कभी वाच्य नहीं हो सकता, वो तो व्यंग्य ही होता है, इसलिए यह रसादि व्यंग्य ऐसा होता है जो वाच्य को सहन नहीं करता है, ठीक है। अब आगे चलें, देखिए, रसादि लक्षणस्तु अर्थः स्वप्नेपि न वाच्यः, रसादि लक्षण जो व्यंग्य होता है ये कौन सा होता है, असंलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि, ध्यान रखिएगा, असंलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि जिसको हम रसादि कहते हैं, जिसका केवल एक ही भेद होता है, लेकिन भेदों पर भेद करते करते वाक्य और पद, पद और वाक्य से दो भेद किए और बाकी जो है रसवद अलंकार वगैरह सब जोड़ दिए तो चार भेद वो भी हो गए, तो छह भेद अभी तक बनाए थे हम लोग, तो छह जो रसवद रसादि हैं इनमें वाच्यता तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती है किसी भी संयोग में, स्वप्न में भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि रस कभी वाच्य हो सकता है, ये कहना है। वही कहना है कि रसादि लक्षणस्तु अर्थः, रसादि लक्षण वाला जो अर्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है, वह स्वप्न में भी वाच्य नहीं हो सकता है, स ही रसादि शब्देन श्रृंगारादि शब्देन वा अभिधीयेत, वह रसादि शब्द से श्रृंगारादि शब्द से, अथवा तो या तो रसादि कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, शब्द का प्रयोग कर लीजिए रसादि, या श्रृंगारादि शब्द का भी प्रयोग कर लीजिए, आप कहने को कह सकते हैं, ठीक है, कहने को तो कह लीजिए, लेकिन वो अभिधा शक्ति से बोधित नहीं होते हैं, ठीक है, न च अभिधीयते, वो कहा, कहने को तो भले कहा जाता है, कहा जा सकता है, अब कहने को तो लोग भाई रसादी है, रसादी ध्वनि है यहाँ पर, यहाँ यहाँ विभाव है, फलाने हैं ठिकाने हैं, कहने को तो कह लेते हैं, लेकिन न च अभिधि, लेकिन अभिधा शक्ति से उसका बोध नहीं होता है, वहाँ व्यंजना शक्ति ही लगती है, ये आगे कहेंगे, अभी कहेंगे। तो भाई कहने को तो लोग व्यवहार में कहें भले, रसादि शब्द के द्वारा, श्रृंगारादि शब्द के द्वारा, यहाँ श्रृंगार ऐसा कह दिया आपने,
लेकिन श्रृंगार आए सच कुछ नहीं होता है, वो तो अनुभव का विषय है। तो शब्दों से भले आप कहें लेकिन अभिधा शक्ति से उसका बोध नहीं कर सकते हैं, वह अनुभव तो व्यंजना से ही होता है उसका। श्रृंगार आदि रस का अनुभव जो है वो जो है व्यंजना शक्ति से ही उसका बोध होता है। कहने में व्यवहार करने में तो क्या जाता है भाई, ठीक है आपने रस का दिया श्रृंगार रस है यहाँ ऐसा कह दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं, अनुभव का विषय है इसलिए वो व्यंग्य ही होता है। चलें आगे। तत्प्रयोगे भी विभावादि अप्रयोगे तस्य अप्रतिपत्ते है। तद अप्रयोगे भी विभावादि प्रयोगे तस्य प्रतिपत्ते है। अब देखिए यहाँ ज्यादा स्पष्टता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई शब्द आदि जो श्रृंगार है, श्रृंगार है रस है फलाने ढिकाने दुनिया भर के शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, इनका प्रयोग करने पर भी अगर विभावादि का प्रयोग नहीं करेंगे, विभावादि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, इसमें जो तीन तत्व कहे गए हैं विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों का प्रयोग आप नहीं करेंगे और रस का प्रयोग करेंगे श्रृंगार का प्रयोग करेंगे तो भले करिए रस की अनुभूति नहीं हो सकती है, तस्य अप्रतिपत्ते है उसकी प्रतिपत्ति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी, उसका ज्ञान नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि रसानुभूति हो रही है। वही कह रहे हैं कि रसादि शब्द का प्रयोग कर लीजिए, श्रृंगारादि शब्द का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन विभावादि का प्रयोग मत कीजिए, नहीं करें तो ऐसी स्थिति में रस की अनुभूति नहीं हो सकती है। तस्य यानी तस्य रसस्य अप्रतिपत्ते है, नहीं होने अनुभूति नहीं होने के कारण, ठीक है उस रस की अनुभूति नहीं होने के कारण। और फिर और भी आगे कहेंगे ना, तद अप्रयोगे फिर रस का प्रयोग मत कीजिए, श्रृंगार का प्रयोग मत कीजिए, कहाँ करता है कोई, करता है क्या कोई, जरूरी नहीं करें आप, वो तो अपने आप पता चल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि रस का प्रयोग श्रृंगार आदि रसों का प्रयोग मत कीजिए, अप्रयोगे भी नहीं करने पर भी श्रृंगार आदि रस आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करने पर भी विभावादि प्रयोगे विभाव अनुभाव और संचारी भाव का प्रयोग करने पर भी, यानी उसका प्रयोग मत कीजिए इसका प्रयोग कीजिए, तब भी तस्य प्रतिपत्ते है उसकी अनुभूति हो जाती है, रसानुभूति हो जाती है। इस प्रकार से इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, वो होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, अन्वय व्यतिरेक का मतलब होता है कि यानी विभाव होगा तो रस की अनुभूति होगी, ये अन्वय, विभाव नहीं होगा तो रसानुभूति नहीं होगी, यह व्यतिरेक। तो इस तरह से अनुभव अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा विभावादि अभिधाना द्वारेण, विभाव आदि के अभिधान के द्वारा ही प्रतीयते, इनके विभाव आदि का प्रयोग करने पर ही रस की प्रतीति होती है, वह व्यंग्यार्थ व्यंग्य होता है रस जो है, रस की प्रतीति तभी होती है जब इनका प्रयोग किया जाता है। यह इति निश्चीयते, यह निश्चय किया जाता है, इस प्रकार निश्चय किया जा रहा है कि यही एकमात्र रास्ता, द्वार का मतलब रास्ता, यही एकमात्र रास्ता है कि जो है विभावादि का प्रयोग आप करें, रसादि का प्रयोग न भी करें तभी रस की अनुभूति हो सकती है, यही एकमात्र द्वार है, इसलिए वह रस जो है प्रतीत होता है इसी रास्ते से, इसी तरीके से, इसी उपाय से, ठीक है। तेन असौ व्यंग्य है एवं, इसलिए वह व्यंग्य ही होता है, वाच्य नहीं हो सकता, ठीक है व्यंग्य ही होता है। मुख्यार्थ बाधादि अभावात न पुनर्लक्षणीय, यहाँ लक्षणा भी नहीं हो सकती है क्योंकि मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ का बाध होना और तदयोग और लक्षण वो प्रयोजन और रूढ़ी, ये सब सारी चीज़ों का अभाव होता है, इसलिए उसको लक्षणा भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे जो है यहाँ तक देखिए, अब आगे दूसरे आगे अगले पंक्ति में वो लक्षणा में भी व्यंजना की अपरिहार्यता का प्रतिपादन करना चाहते हैं, पर समय हो गया है, इसमें समय बहुत लगेगा, तो इस प्रकरण को अब हम कल उठाएंगे और बताएंगे। तो आपने एक चीज़ तो देखा कि रस में जो है वाच्यता कभी नहीं आ सकती है, वो रस जो है वाच्य को सहन नहीं करता है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने इन पंक्तियों में देखा। अब समय पूरा हो गया है, इसलिए अब हम यहीं रुकेंगे। और लक्षणा में, लक्षणा की प्रक्रिया में व्यंजना किस प्रकार से अनिवार्य है, इस बात को हम कल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।